दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर्स के बारे में, टाटा पावर के बारे में और साथ ही साथ बात करने वाले हैं JSW एनर्जी के बारे में। दोनों ही शेयर्स रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर के मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में। जो सबसे पहले न्यूज निकल कर आ रही है उसकी डेट और टाइम आप कंफर्म कर लीजिएगा, 26 मई 2022 आज ही के दिन इवनिंग सेशन में ये न्यूज निकल कर आई है, जिसमें टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी कमीशन 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। तो टाटा पावर को बहुत ही बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है और सबसे मेन बात यह है कि कंटिन्यूटी में टाटा पावर को जो सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यूसली हाथ लग रहे हैं, यानी कि इस महीने में लगभग 5 से 6 ऑर्डर कंपनी को अभी तक हाथ लग चुके हैं, जो कि कंपनी के रेवेन्यू में बहुत ही शानदार बढ़ोतरी करने वाले हैं। आप देख सकते हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज एंड होली ओन सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर हैज कमीशन 100 मेगावाट प्रोजेक्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। कंपनी को जो ये ऑर्डर हाथ लगा है ये 234 मिलियन टन ऑफ CO2 को यहां पर रिड्यूस करेगा और साथ ही साथ 3.5 मंथ्स में, इसकी टाइमलाइन है यानी कि 3.5 मंथ्स में, ऑलमोस्ट 3.5 महीने में टाटा पावर को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। इस प्रोजेक्ट की जो लैंड साइज है वो लगभग 600 एकड़ में रखी गई है। टाटा पावर के CEO एंड MD प्रवीण सिन्हा की तरफ से इस ऑर्डर को लेकर जो स्टेटमेंट निकल कर आया है वो भी आपको देखना चाहिए। आप देख सकते हैं टाटा पावर प्रोजेक्ट इन सच अ शॉर्ट टाइम फ्रेम इज अ टेस्टिमोनी टू टाटा पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, यानी कि 3.5 महीने के अंदर 100 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट कंपनी को हाथ लगाए, सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट जो कंपनी को हाथ लगाए, वो टाटा पावर के CEO का कहना है कि ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है लेकिन हमारी कंपनी इस चैलेंज को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। तो बहुत ही शानदार न्यूज टाटा पावर के शेयर होल्डर्स के लिए डेफिनेटली ये निकल कर आ रही है। वहीं अगर सेकंड अपडेट्स की बात करें तो इसकी भी डेट और टाइम आप कंफर्म कर लीजिए, 26 मई 2022 आज ही के दिन ये भी न्यूज निकल कर आई है, जिसमें SJVN इंस्पेक्ट विद टाटा पावर सोलर सिस्टम फॉर 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन बीकानेर। जैसा कि आपको पता है कुछ टाइम पहले ही टाटा पावर को SJVN की तरफ से लगभग 5,500 करोड़ रुपए का, यानी कि 5,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर हाथ लगा था, जो कि अब हमें एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं स्टेट ओन्ड SJVN लिमिटेड ऑन थर्सडे इंक अ पैक्ट विद टाटा पावर सोलर सिस्टम टू बिल्ड अ 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट वर्थ ₹5,500 करोड़ इन बीकानेर राजस्थान। SJVN टुडे एंटर्ड इनटू एन EPC एग्रीमेंट फॉर 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन बीकानेर राजस्थान विद मेसर टाटा पावर सोलर सिस्टम अ कंपनी स्टेटमेंट। तो यहां पर जो ये सोलर प्रोजेक्ट कंपनी को हाथ लगा है ये इंडिया का सबसे बड़ा सोलर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड है, सबसे बड़ा सोलर कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट है जो टाटा पावर को हाथ लगा है। तो टाटा पावर भले ही अभी आपको बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अप डाउन्स आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं, ओवरऑल शेयर्स अपने ऑल टाइम हाई से यानी कि 300 से काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा टाटा पावर पे भरोसा रखिए, क्योंकि कंपनी के नंबर्स बोलते हैं, कंपनी की ऑर्डर बुक बोलती है। भले ही अभी यहाँ पर कोई बड़ी तेजी नहीं आ रही है लेकिन यहाँ पर आपको ग्रोथ एंड मोमेंटम आने वाले 5 साल में देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर के अंदर आप भरोसा जता सकते हैं क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट, कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग है। हम मार्च क्वार्टर्स के भी नंबर्स देख चुके हैं, टाटा पावर ने काफ़ी अच्छे नंबर्स जनरेट करके बताए हैं। तो ओवरऑल अगेन कहना चाहूँगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स 218 रुपये के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखिए, सेकेंड स्टॉप लॉस 210 रुपये का और थर्ड स्टॉप लॉस 200 रुपये का कैरी करके चलिए। अगर टारगेट की बात करें तो 245 रुपये का अगेन शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, लेकिन अभी शेयर आपको एक ही रेंज में ट्रेड होते हुए देखने को मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 200 रुपए पर भी शेयर आता है, SIP करिए, यहां पर इसे एक्यूमुलेट करिए और यहां पर अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म पर्पस से होल्ड करके चलिए।
आज के दिन भी टाटा पावर के अंदर वॉल्यूम बेस्ड काम हमें काफी अच्छा देखने को मिला है। 3,49,00,000 क्वांटिटी टाटा पावर के अंदर ट्रेड हुई है, जिसके सामने 57,00,000 क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई है। टाटा पावर को जो ऑर्डर हाथ लगा है महाराष्ट्र की तरफ से, उसकी जो जानकारी है वो कंपनी ने अपनी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में भी डिक्लेयर कर दी है। तो आप NSE और BSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी इस न्यूज की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं JSW एनर्जी के बारे में। तो JSW एनर्जी की भी ऑफिशियल न्यूज की तरह सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं, जहां पर आप देख सकते हैं न्यूज JSW टू एक्वायर मेरिट एनर्जी फॉर $2 बिलियन। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ी एक्विजिशंस JSW एनर्जी के थ्रू यहां पर करी गई है। कंप्लीट न्यूज आप देख सकते हैं, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी JSW ग्रुप हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू बाय रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर मेरिट एनर्जी इंडिया इन अ डील एक्सपेक्टेड टू बी वर्थ ऑफ रुपीज $1.8 बिलियन। जी हाँ दोस्तों, यहां पर हमें जो अमाउंट है वो डॉलर में देखने को मिल रहा है। काफी बड़ा अमाउंट है ये, काफी बड़ी एक्विजिशन JSW एनर्जी ग्रुप की तरफ से करी गई है, जिसका सीधा बेनिफिट JSW एनर्जी को मिलने वाला है। तो यदि आपने JSW एनर्जी लिमिटेड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आज के दिन इस शेयर्स के अंदर भी आपको 2.5 से 2.75% की काफी अच्छी तेजी देखने को मिल चुकी है। 281 रुपीज पर ये शेयर्स अभी आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये शेयर्स आपको 250 तक भी मिलता है, तब भी आप यहां पर बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी पिछले एक साल में कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 142% की शानदार रिटर्न्स कंपनी ने बनाकर दिए हैं। अगर आपने इस शेयर्स के अंदर 300 रुपए, 350 रुपए, 400 रुपए के लेवल से भी खरीदारी कर रखी है, तो आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। JSW एनर्जी ने भी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर कर दिए हैं। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में JSW के अंदर भी हमें काफी अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। कंपनी की ग्रोथ यहां पर भी काफी अच्छी है। आप देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें वाई ऑन वाई बेसिस पर, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 700% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल टाटा पावर और JSW एनर्जी के अंदर आप SIP कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी यहां पर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, और अगर आपको अभी अपने पोर्टफोलियो में लॉस भी दिख रहा है, तब भी आपको पैनिक नहीं लेना है, क्योंकि सिर्फ आप इकलौते नहीं हैं जिसके पोर्टफोलियो में लॉस है। ओवरऑल लगभग 50-60% इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में अभी लॉस ही है। तो यहां पर आप अपने आप को ब्लेम मत करें कि टाटा पावर आपका गलत सिलेक्शन था। टाटा पावर JSW एनर्जी डेफिनेटली फ्यूचर के मल्टीबैगर स्टॉक से, बस आपको कंपनी के ऊपर भरोसा जताना होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। ऐसी ही इंपॉर्टेंट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर कल मार्केट ओपन होने के पहले प्राइस एक्शन स्टॉक्स आपको बताए जाएंगे, जिनका बेनिफिट उठाकर आप इंट्राडे सेशन में काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।